Hello student, good morning. Today we will learn math, standard 6th, chapter number 1, our national fruits, mango. Last time we read on page number 12, pe, human amra bank of mango produce. वो लास्ट हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे जो नीचे वाला है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में क्या दिया गया है कि रेखा बोरोड अ लोन ऑफ रुपीज 4000. उसने रेखा ने क्या किया है, लोन ली है कितने रुपीज की, 4000 की. 4000 रुपीज का क्या किया है उसने, लोन लिया है. सी पेड रुपीज, अब पेड कर रही है रुपीज 345 टू बैंक एवरी मंथ. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ये पेड कर रहे, रेखा है वो पेड कर रही है रुपीज 345 रुपीज एवरी मंथ. यानी कि वन मंथ में उसने 345 पे कर रही है. तो अब क्या है, तो कि हाउ मैनी रुपीज डिड सी पे टू द बैंक, हाउ मैनी रुपीज आर एट द पेड, कि क्या वो पेड कर रही है, यानी कि हाउ मैनी कितने रुपीज पे कर रही है. तो वन मंथ है, ईयरली कर रही है, तो वन ईयर के कितने मंथ होते हैं, वन ईयर के 12 मंथ. और पर मंथ में, वन मंथ में कितने रुपीज पे कर रही है, वन मंथ में रुपीज 345, यानी कि 12 मंथ में हाउ 12 मल्टीप्लाई रुपीज मिलेगा हमें, 12 मल्टीप्लाई 345 मल्टीप्लाई करेंगे 345 मल्टीप्लाई 12 क्या रखेंगे, 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, 1 केरी 4 2 जा 8 एंड 1 9, 3 2 जा 6, 0, 5 एंड 9 14, 1, 5 एंड 6 11, 1 एंड 4. यानी कि कितने रुपीज हुए वन ईयर के, वन ईयर इज इक्वल टू कितने रुपीज हुए, 4140 रुपीज. कितने रुपीज, 4140 रुपीज हुए. अब यानी कि बैंक में से उसने लोन ली थी 4000 की, और उसने वन ईयर में इतने पे किए हैं, तो उसके हाउ मैनी यानी कि कितने बचे, तो 4140 माइनस 4000 यानी कि 0410 यानी कि 140 रुपीज क्या हुए उसके, आर 8 रुपीज बी पेड. बी, मीरा एंड हर ब्रदर बोरो अ लोन ऑफ रुपीज 21000 टू बाय न्यू प्लांट. न्यू प्लांट्स में उसने लोन ली है कितने रुपीज की, 21000 की. ग्राफ्ट मैंगो ट्री, दे पेड बैक रुपीज 23520 इन अ ईयर, कि उसने लोन ली थी 21000 की और उसने पे की है 23520 इन अ ईयर. हाउ मैनी रुपीज दे वुड हैव पेड एवरी मंथ, कि उसने एवरी मंथ में कितने रुपीज पे किया होगा, यानी कि 12 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. यानी कि वन ईयर में, वन ईयर इज इक्वल टू रुपीज 23520 रुपीज उसने पे किया है, यानी कि एवरी मंथ यानी कि वन मंथ में उसने कितने रुपीज पे किया होगा, यानी कि 12 मंथ, वन मंथ में. अब 12 मंथ में कितने रुपीज पे किया होगा, तो 12 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 12 वन जा 12, 1 1, अब क्या लेंगे, 12 लाइन्स 5 में से 8 कट 15, 0, 15 में से 8 कट यानी कि 7, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यहाँ से आया
2. ट्वेल्थ एग्जाम 72 00 10 यहाँ से है तो 10 भी लिख सकते हैं हम, यानी कि हमारा आंसर आया 1960, यानी कि 1960 रुपीज उसने पे किया है, यानी कि वन मंथ में रुपीज कितने पे किए हैं 1960. ईयरली वुमन वी नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस बट नाउ मधुबेन एंड अदर वुमन आर एंगेज इन मैंगोज बिजनेस थिंग्स आर चेंजेस नाउ देयर बैंक ऑल्सो हेल्प देम इन दैट. कि जो वुमन है वो बिजनेस कर रही है तभी उसको क्या मिल रहा है, लोन, बिजनेस की लोन मिल रही है, तो देयर बैंक ऑल्सो हेल्प उसे हेल्प कर रही है कि दिस वुमन आर गिवन एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट बिजनेस ओरिएंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट होम रिलेटेड ट्रेनिंग टू हेल्प देम बिकॉज सेल्फ रिलेट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली. कि जो वुमन है वो वर्क कर रही है, बिजनेस कर रही है, तब उसको बैंक और जो गवर्नमेंट है उसको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है. व्हाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्स. कि मैंगो पल्स कैसे बन रहा है, कैसे उसका बिजनेस कैसे कर रहे हैं. सम वुमन एसोसिएटेड विथ वुमन आम्र बैंक वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्स. मैंगो पल्स यानी कि मैंगो जूस. मैंगो पल्स एट होम दे हैव एक्वायर्ड अ प्लेस फ्रॉम पंचायत फॉर इट. दे हैव सेव रुपीज 74,000 लास्ट ईयर, यानी कि उसने 74,000 उसने सेव किया था. दे मेड कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्टअप दिस न्यू इंडस्ट्री. कि उसने बोला है कि स्टार्टअप, जब हम स्टार्टअप कर रहे हैं इंडस्ट्री, तब कितने रुपीस चाहिए होते हैं. कि मधुबेन प्रिपेयर्ड अ लिस्ट रिक्वायर्ड आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क. कि वो वर्क कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं. दिस आइटम शुड बी परचेज इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क. द कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ दिस थिंग्स आर गिवन इन द फॉलो टेबल. फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर. क्या मैं टेबल दिया गया है, उसमें बताया गया है कि उसने कौन सी आइटम्स ली है, कितने प्राइस है उसकी, कितनी आइटम है वो भी बताया गया है बॉक्स में. यानी कि मिक्सर ग्राइंडर लिया है वो कितने रुपीस के लिया है, रुपीस 3,000 रुपीस का लिया है. और कितने लिया है, 1 लिया है. और थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रेजर्विंग के वो भी लिया है. एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंगोस पल्स वो कितने रुपीस का है, 2,000 रुपीस का है. और कितने आइटम्स लिया है, 20 आइटम्स लिए है, यानी कि 20 लिया है. बिग पॉट्स लिया है वो कितने लिया, कितने रुपीस की है, 1 है वो 100, यानी कि 1,000 की है. और कितने आइटम है, 4 आइटम है. और ट्रे एंड निफ वो भी कितने रुपीस की है, 300 रुपीस की है. और कितने आइटम्स है, 20. एंड बकेट है रुपीस 75 रुपीस का है. और आइटम्स कितनी है, 20 आइटम है. टोटल एक्सपेंडिचर और स्टार्टेड अ बिजनेस के कितने रुपीस उसको स्टार्टअप करने के लिए कितने रुपीस चाहिए. तो हम वो बॉक्स करें, यानी कि हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन. कि वन आइटम है हमारे पास, फर्स्ट जो है वो वन आइटम है हमारे पास. तो वन आइटम की कितने रुपीस हैं, रुपीस 3,000 की है. और नेक्स्ट सेकंड है वो थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग, वो जो है रुपीस कितने की है, 2,000 रुपीस. 1 का 2,000 रुपीस. बट कितने आइटम्स लिए हैं, 20. तो मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1, 1 आइटम है. तो कितने यहाँ पे हुए, 3,000. यहाँ पे 2 2 4. थर्ड नंबर है वो बिग पॉट्स है. बिग पॉट्स कितने रुपीस का लिया है, रुपीस 1,000. वन आइटम का रुपीस है 1,000.
एंड कितनी आइटम्स है? फोर आइटम्स है. तो 1 × 4 = 4 यानी कि 4000 हुए रुपीज उसके. फोर्थ नंबर के ट्रेन नीफ, तो नीफ कितने रुपीज के है? 1 जो है 1 आइटम का रुपीज 300. तो हमारे पास कितने आइटम्स है? 20 आइटम है. तो 2 × 3 = 6. फिफ्थ नंबर के वो है बकेट, तो बकेट कितने रुपीज का है? 75. 1 आइटम की 75 रुपीज है. तो कितने आइटम लिए हमने? 20. कितने हुए? 1500. टोटल हमें क्या करना है? एडिशन करना है. यानी कि बिजनेस करने के लिए कितने रुपीस चाहिए हमें? 0, 0, 5, 6, 7, 7. 7 + 4 = 7 + 4 = 11. 11 + 3 = 14, 1, 1 and 5. यानी कि कितने रुपीस चाहिए? 54,500 रुपीस चाहिए. बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कितने रुपीस चाहिए? 54,500 रुपीस चाहिए. ओके. उसके बाद बोला है कि व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगोज इट वेट 1/3 ऑफ अ मैंगोज. के 1 मैंगो में से पल्प कितना निकलता है? तो 1 मैंगो में से पल्स कितना मिलता है? 1/3 पल्स. कि जो हमें पल्स मिलता है, पल्प मिलता है जो, तो वो कितना है? तो 1/3 मिलता है. दे हैव हाउ मच मैंगोज पल्स विल बी प्रिपेयर्ड इन अ मंथ. के प्रिपेयर होने के लिए कितने मंथ लगता है? उसके बाद है मधुबेन लेट्स कैलकुलेट फॉर फर्स्ट 6 kg मैंगोज. के 6 kg मैंगोज में से वो स्टार्टअप कर रहे हैं. तो फॉर परचेज ऑफ मैंगोज, के फॉर परचेज ऑफ मैंगोज के पर केजी का कितने रुपीज है? 15 रुपीज. कितने रुपीज है? 15. फॉर सेल ऑफ मैंगोज पर वो रुपीज है उसके 70. यानी कि जो हमें मैंगो चाहिए वो 15, 1 kg का 15 रुपीज है. बट जो पल्प चाहिए हमें तो वो है 70 रुपीज 1 kg के. इफ एक्स फर्स्ट है इफ वी एक्सट्रैक्ट मैंगोज पल्प फ्रॉम 6 kg मैंगोज. के 6 kg मैंगोज में से कितने kg पल्प मिलेगा? तो 6 kg में से 6 kg मैंगो, हमारे पास 6 kg मैंगो है और पल्प चाहिए. तो 1/3 में पल्प मिलता है. तो 6/3 यानी कि 3 × 2 = 6. 2 kg हमें पल्प मिल सकता है. द टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑफ 6 kg मैंगोज, यानी कि हमें पेड करना है 6 kg मैंगोज का. तो 6 × 15, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपीज़ का, क्योंकि हमें मैंगोज चाहिए, पल्प नहीं चाहिए. तो 6 kg हमें मैंगोज चाहिए. तो 6 मैंगोज के कितने रुपीज़ है? 1 kg के 15 रुपीज़. तो 6 kg के कितने हुए? तो 6 × 15, तो 15 × 6 = 90. अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलिंग 2 kg मैंगोज पल्प. कि 2 kg मैंगो के पल्प हमें चाहिए तो कितने रुपीस होंगे 2 kg के? तो 1 kg के कितने रुपीस है? 70 रुपीस. तो 2 kg के कितने हुए? 140 रुपीस. कितने हुए? 140. यानी कि 2 × 70 = 140 रुपीस. उसके बाद देयर फॉर द अमाउंट बाई सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड फ्रॉम 6 kg मैंगोज रुपीज कितने हुए? तो 6 kg मैंगोज हमें चाहिए, तो रुपीज कितने हुए? 140 में से हम 90 कट करेंगे. यानी कि 2 kg मैंगो, 2 kg हमने पल्प जो लिया था उसका आंसर था 140. तो 140 रुपीज में से हम 90 रुपीज क्या करेंगे? कट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमारा आंसर आएगा 50 रुपीज. तो 50 रुपीज का हमें क्या हुआ? सेलिंग हुआ. यानी कि अमाउंट बाय सेलिंग द पल्प प्रिपेयर्ड, के प्रिपेयर करने के लिए कितने रुपीज की सेलिंग हुई? रुपीज 50 रुपीज के. इफ वी प्रिपेयर मैंगोज पल्प ऑफ 6000 kg मैंगोज द अमाउंट विच ऑन. के 6000 के कितने ऑन वो
अमाउंट ले सकते हैं, ऑन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट हमने सेलिंग कितने रुपीज़ की थी, तो 50 रुपीज़ की थी, तो 50 मल्टीप्लाई 1000 रुपीज़, तो 50 मल्टीप्लाई 1000 रुपीज़ का कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन 50,000। ऑल वुमन आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लान, के वुमन है वो वेरी हैप्पी हो रहे हैं प्लान में, के एवरी वुमन विल गेट गुड प्रॉफिट एंड वी गेट वेज फॉर द वर्क डन बाय देम। के वो बोल रहे हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं वुमन, वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो उसको वो हैप्पी भी हो रहे हैं। उसके बाद ये अनीता, आई हैव फाउंड आउट फाइंड आउट बाय अनदर कैलकुलेशन दैट 1500 kg आई विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ। के वो जो हम पल्प है वो हमें जो रखना चाहते हैं तब हमें क्या चाहिए, आइस चाहिए। तो जो आइस है उसके 1 kg के कितने हैं, 1500 विल बी रिक्वायर्ड एवरी मंथ। एवरी मंथ में ऐसे 1500 kg आइस चाहिए, तो इसके कॉस्ट है ₹2 पर kg के 2 rupees है। तो आइस 1500 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2, यानी कि कितने रुपीज़ चाहिए हमें वन मंथ में, 3000 rupees। कितने 3000, कि हमें बोला गया है कि रुपीज 1500 क्या है kg आइस चाहिए हमें पर यानी कि पर kg के कितने रुपीज़ है 2 rupees, तो कितने हुए 3000 rupees। पैकिंग चार्ज, क्या हम पैकिंग चार्ज भी काउंट करेंगे, तो पैकिंग चार्ज एंड रिक्शा फेयर, के रिक्शा भी फेयर करेंगे तब उसका भी चार्ज लगेगा, तो रुपीज़ है वो 3000 rupees। सो टोटली मंथली एक्सपेंस ऑफ बाइंग मैंगोज एंड सेलिंग मैंगोज पल्सिस, के मधुबेन ओ हाउ नाइस, फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो दैट आवर बैंक वी अर्न ₹44,000 पर मंथ। के वो अर्न यानी कि वो कमा सकते हैं 44,000 पर मंथ में। ओके, आगे का हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।